आजकल तो लोग धन जोड़ जोड़ करके रखना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे बेटे के काम आएगा, फिर पोते के काम आएगा, फिर उसके काम, फिर उसके काम। और वही धन दबा हुआ उसको बोलते हैं काला धन। क्या बोलते हैं? काले धन पे कोई काला पेंट थोड़ी होता है महाराज, होता है क्या? अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी की, वो क्या थी? क्या अलग से काला धन समेटा उन्होंने? ना। काला धन क्या होता? जो चोरी से जिस धन को रखा जाए, जिस धन को इतना धन हो जाए कि उसको हम छुपा छुपा के रखें, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, कोई आयकर विभाग ये ना कह दे कि भाई इतना धन तेरे पास आया कैसे, महीने में तू कमाता है 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, और आपके पास एक ही साल में 50 करोड़ रुपए हो जाएं, तो महाराज समझ लो वो एक नंबर का काम नहीं है, दो नंबर। वो उसको बोलते हैं काला धन। तो ऐसे हमारे देश के राजा ने इतना बड़ा कदम उठाया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं हमारे देश से काला धन खत्म हो, और जो लोग अमीरी के पदों पे बैठे हैं और हजारों करोड़ों का धन विदेशों में जमा है महाराज, उस धन को खत्म कैसे किया जाए, ये रणनीति हमारे देश के। आज मैं कहूं कि मैं उस व्यक्ति को राजा कहूं तो कम नहीं है महाराज, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रधान है इस देश का, सेवक है। और चुनाव के दिन है महाराज, मेरा निवेदन है पार्टी को नहीं, आप व्यक्ति को देखिए। आज इस समय में जो राजा हैं हमारे देश के, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो किसी साधु से कम नहीं है। ताली बजाओ एक बार। वो किसी साधु से कम नहीं है महाराज। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया महाराज। मैंने कहा कि सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, एक बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी जरूर पढ़ना, नेट के ऊपर अवेलेबल है सारी चीजें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उन्होंने कार्य किया अपने जीवन में, और उससे पहले वो साधु बनने चले, 2 साल हिमालय पर्वतों में वो घूमते रहे, जंगलों में घूमते रहे, और एक साधु के पास गए और बोले कि महाराज मुझे साधु बनना है, सन्यासी बनना है, मेरा घर में मन नहीं लगता। उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो साधु ने कहा कि तुम सन्यासी बनने के लिए नहीं, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी डगर कहीं और है, तुम्हारी राह ये देश देख रहा है। और जब उस साधु के मार्गदर्शन करने पर आदरणीय जब राजनीति में आए, तो धीरे 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 राजनीति में करते करते वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और उसी जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ 3 बार वो वहां के मुख्यमंत्री रहे, और आज आप हम सभी देख रहे हैं 4 साल से वो हमारे देश के राजा हैं। मेरा समर्थन किसी विशेष पार्टी को नहीं है, मेरा समर्थन उस व्यक्ति के लिए जो मरता है, जीता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, मात्र और मात्र देश की रक्षा के लिए महाराज, मात्र देश की रक्षा के लिए, उसकी नजरों में ही देश की सेवा है। हमारे सैनिक मरे जाते हैं, पहले चुप्पी धार ली जाती थी कि अपने आप ही 10-15 दिन में समेट दिया जाएगा मामला, कोई कुछ नहीं बोलता था, और आज वही देश का प्रधान है कि हमारे देश पे जो भी आंख उठाता है ना महाराज, ये वही श्री कृष्ण है, ये वही श्री अर्जुन है, जिन्होंने धर्म और अधर्म के बीच, कौरव और पांडव के बीच, ये पाकिस्तान कोई और नहीं, हमारा भाई था, ये हिंदुस्तान की भूमि थी, लेकिन 2 बंटवारे हो गए महाराज, हमारे पुराने बुजुर्गों ने राजनीति करी ऐसी, उन्हीं की ही मनोदशा से हमारा हिंदुस्तान, इसके दिल के, इसके हृदय के 2 टुकड़े हुए, एक भारत, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। उसी पाकिस्तान जो कौरव पक्ष में है, मैं मानना है मेरा वो कौरव है, और ये हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पांडव का प्रतिबिंब है, और ये हमारे राजा जो कहता है कि अधर्म के पक्ष में होकर के जो चलेगा, और जब मेरे देश के ऊपर नजरें उठाएगा, उनकी नजरें खींच ली जाएंगी। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, जब भी वोट करने जाओ, चुनाव में जाओ,
पुनः कहूंगी समर्थन देश के राजा का हो, ना कि किसी उम्मीदवार का, कि आपके क्षेत्र में आपके हलके में कौन प्रत्याशी खड़ा है। प्रत्याशी को वोट नहीं महाराज, वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी को जानी चाहिए। बोले भारत माता की, बोले धरती माता की, तो धरती माता की रक्षा के लिए सबकी उंगली उस दिन उठे, ऐसा मेरा भाव है। आइए पुनः भागवत के उसे पुण्य से पावन सी कथा में आते